हेलो फ्रेंड, मैं हूं मानिक मंडल, में लैपटॉप डेस्कटॉप एंड फोन का टेक्नीशियन हूं। तो फ्रेंड, मेरे पास एक फोन आया है टेक्नो, देखिए मॉडल नंबर, जो अभी आप लोगों को दिखाता हूं मॉडल नंबर, देखिए टेक्नो KE5, ये है मॉडल नंबर। जूम करके दिखाता हूं, टेक्नो KE5। तो फ्रेंड, इसमें जो प्रॉब्लम है देखिए, चार्जिंग जो है, चार्जर पिन लगाता हूँ, देखिए चार्जिंग जो शो होता है, देखिए चार्जिंग शो हो रही है लेकिन ये चार्ज नहीं होता है, यही प्रॉब्लम है। हम जितना टाइम देता हूँ लेकिन ये चार्ज नहीं होता है। चार्ज होता है तो मेरा जो है ये रेट हो जाता है। जैसे कोई भी चार्जर लगाता हो, लोड लेता है तो देखाता हूँ। दूसरा एक ये है जियो का फोन है, इसमें लगा के देखाता हूँ। जिस टाइम पे ये चार्ज लेता है ये ऑटोमेटिक ही देखिए रेट हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम लगाता हूँ, देखिए चार्जिंग शो हो रही है लेकिन ये लोड नहीं ले पा रहे। तो इसको फैक चार्जिंग बोलता है, तो इसको कैसे सोल्यूशन करता है आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फर्स्ट टाइम इसको डिसअसेंबल करूंगा, देखिए फोन को पहले बंद करूंगा, देखिए मेरा फोन है, फोन बंद कर दिया, उसको बाद में ये साइड से हाथ से ये ओपन हो जाएगा। उसको बाद में देखिए सिम मेमोरी कार्ड जो भी है हम पूरा अलग कर दूंगा। जहाँ पर जो अभी स्क्रू ओपन करना है मुझे, देखिए गैस हम सारा स्क्रू ओपन कर दिए। इसके बाद में इस साइड से चार्जिंग कर रहे हैं, इस साइड से सप्लाई, ये जो है ये एकदम फिक्स है। जैसे कॉम्बो के साथ एक साथ में एक कनेक्ट होता है, बोर्ड अलग है लेकिन आपको एक बार बोर्ड को देखना है जो है ठीक लगा है ना नहीं लगा है। उसको बाद में जो है लगा के देखना है जो हमारा 5 वोल्ट बोर्ड में जाता है या नहीं है। ये देखिए इधर कितना 3 point something सप्लाई आ रही है, ठीक है। हम बैटरी को ओपन करता हूँ, देखना है कितना वोल्टेज। ओके गाइस, देखिए सप्लाई जो आना है 6 आ रही है। जिस टाइम पे बैटरी लगाता हूँ देखना है वोल्टेज, ब्लॉक हो गया, देखना है मेरा जो फोन हो उस टाइम पे तो 2% चार्ज था, अभी तो फोन ऑन हो गया, पता नहीं क्यों। देखिए 2% सेफ चार्जिंग फीचर इज प्रोटेक्टिंग बैटरी, ऑटो डिस्कनेक्ट
फ्रेंड फुल चार्ज मैसेज दिया था, तो हम थोड़ी टाइम देखना है हमारा जो चार्ज होता है या नहीं होता है। ये कोई लोड नहीं ले पा रहे। तो गाइस देखिए जो प्रॉब्लम आया है इसमें, ये जो मॉडल है टेक्नो का, इसमें ये कॉम्बो के साथ पावर आता है चार्जिंग सेक्शन से, जो 5 वोल्टेज बोर्ड में आता है ये कॉम्बो के साथ आता है, तो ये थोड़ा लूज होता है कभी कभी। इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो इधर से फुल सप्लाई नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखिए उस टाइम पे क्या हुआ था, लोड नहीं ले रही है। अभी देखिए मैं उसको ओपन करके लगाया था, अभी देखिए लोड ले रही है। उस टाइम पे क्या है, 2% चार्ज शो हो रही था। अभी देखना है मेरा कितना कोई सप्लाई, देखिए 2% होगा, ठीक है 2% शो हो रही। दो मिनट रुकना है, देखना है चार्ज कितना आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो गाइस देखिए हमारा जो है चार्जिंग चार्ज 4% हो गया, उस टाइम पे क्या है 2% था। और देखिए इसमें लोड भी ले रही है। फर्स्ट टाइम देखिए हमारा जो है ये जो है बोर्ड है चार्जिंग का जो बोर्ड है ये है, इसको फर्स्ट टाइम हमारा जो है कभी फैक्स चार्जिंग आता है तो फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करना है, ये जो है पिन है पिन को चेंज करना है। पिन चेंज करने के पहले आपको देखना है चार्जिंग लगा के जो 5 वोल्टेज आना है वो आता है ना नहीं था। उसको बाद में यह से एक इधर जो एक रजिस्टर है इसमें देखिए ये 5 वोल्टेज आता है, इधर से चार्जिंग जैक लगाने के बाद इसे 5 वोल्टेज इधर आता है तो ये ठीक है। आपको ऊपर में देखना है इधर से सप्लाई बोर्ड में जाता है ना नहीं जाता है वो भी चेक करना है आपको। तो देखिए मेरा जो प्रॉब्लम था ये तो ए साइड में, हम इसको देखिए इसको हम ओपन करके देखा है जो सप्लाई आना है आता है ना नहीं देखा है आ गया। उसको बाद में देखा है ये जो है इसमें प्रॉब्लम आया है, ये जो है कॉम्बो के साथ ये सप्लाई आता है, कॉम्बो के जो पत्ता है उसको साथ ये 5 वोल्टेज इसमें आता है, ठीक है। तो इसको लूज था इसलिए देखिए ये लूज के लिए ये प्रॉब्लम आता है। तो ये थोड़ा हम ओपन करके ज्यादा प्रेस करके लगाया है और इसमें देखिए ग्रीन भी आ गया, सॉरी रेड आ गया, मतलब लोड ले रहे, मतलब मेरा फोन में चार्ज हो रही है। ऑनली मेरा जो प्रॉब्लम आया है इसमें प्रॉब्लम आया है, तो आपको तो बताया था और भी है, कभी फैक्स चार्जिंग आता है तो ये जो कंपोनेंट है ये वाला ये जो डायोड लगाया है इसमें प्रॉब्लम आता है तो ये फैक्स चार्जिंग होता है। तो गाइस मेरे वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते मत भूलिए, और एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए हमारा जो है 5% हो गया, इस टाइम पे 2% था। ओके फ्रेंड, और आप लोग कोई मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग करना चाहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।